वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सीपीडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, भारतीय सरकार के बारे में। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं और भारतीय राज व्यवस्था में यानी कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। अब पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी कि सरकार के अंग की बात करते हैं। तो सरकार के कितने अंग हैं, हम लोग इसको भारत स्तर पर बात करेंगे, भारत के स्तर पर बात करेंगे। तो सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के तीन अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। विधायिका को हम केंद्र स्तर पर भी बात करेंगे और राज्य स्तर पर भी बात करेंगे। केंद्र स्तर पर विधायिका संसद के हाथों में होता है, यानी कि उसका जो मेन पावर है वो है कहाँ पे? संसद में। यानी कि विधायिका केंद्र में, संसद है। अब संसद के कितने अंग हैं? ध्यान दीजिएगा, संसद के अंग कितने हैं और संसद में सदन कितने हैं, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, अब जब हम लोग संसद की बात कर रहे हैं तो केंद्र स्तर पर संसद, और जब हम लोग राज्य स्तर पर बात करेंगे, राज्य स्तर पर जब हम लोग विधायिका की बात करते हैं यानी कि जब राज्य स्तर पर हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो वहां पे उसको विधानमंडल बोलेंगे। केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल, संसद। अब संसद में हम लोगों ने जाना कि संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, और संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद में जो दो सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, तो लोकसभा को निम्न सदन एवं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब कहा जाए कि यहाँ पर राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, उसको भंग नहीं किया जा सकता और ना ही स्थगित किया जा सकता है। उसको ना तो भंग किया जा सकता है ना ही स्थगित किया जा सकता है। इसलिए राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन है। ठीक है, अब जब विधानमंडल की बात करते हैं यानी कि राज्य के स्तर पर जब हम लोग बात करते हैं, तो विधानमंडल यानी कि विधानमंडल में भी कितने सदन है? वहां पे भी दो सदन होते हैं। तो कहीं कहीं पे सरकार एक सदनीय भी होती है और कहीं कहीं पे द्विसदनीय भी होती है। ठीक है, तो जब हम लोग राज्य स्तर पर बात करते हैं तो वहां पे आता है विधानमंडल में विधानसभा एवं विधान परिषद। यहाँ पे विधानसभा को निम्न सदन एवं विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अब यहाँ पे कहें कि विधान परिषद को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, तो हाँ, विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ स्थगित किया जा सकता है अगर वहां पर उस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता ना हो तो। ठीक है, राज्यसभा को कभी स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को स्थगित किया जा सकता है, वहां समाप्त किया जा सकता है अगर उस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता ना हो। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, राज्यसभा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको भंग भी नहीं किया जा सकता ना ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो विधान परिषद है, जो राज्य स्तर पर जो विधान परिषद है, उसको समाप्त किया जा सकता है अगर वहां, अगर उस राज्य में विधान परिषद की उपयोगिता ना हो। ठीक है, अब हम लोगों ने एक तरफ बात की विधायिका की, विधायिका में भी केंद्र स्तर पर बात की और राज्य स्तर पर बात की।
अब हम लोग आते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका में जब हम लोग आएंगे तो कार्यपालिका में यानी कि एग्जीक्यूटिव में, यहाँ पे भी केंद्र स्तर और राज्य स्तर है। अब केंद्र स्तर में यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कार्य करता है, कौन अध्यक्ष होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कौन अध्यक्ष होता है, तो वहां पे होते हैं प्रधानमंत्री। राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। अब बात करेंगे कि जो संवैधानिक सर्वोच्च होता है, संवैधानिक सर्वोच्च कौन है देश का, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है। तो केंद्र में जो संवैधानिक सर्वोच्च होंगे या पूरे भारत में जो संवैधानिक सर्वोच्च, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हैं, तो जो संवैधानिक पद होगा केंद्र में वो होगा राष्ट्रपति का। और जब राज्य की बात करेंगे जो तो संवैधानिक पद होगा वो होगा राज्यपाल का। यानी कि संवैधानिक प्रमुख केंद्र में जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे और राज्य में जो होंगे वो राज्यपाल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यपालिका, ये है कार्यपालिका। इसमें हम लोग संवैधानिक प्रमुख और कार्यकारी प्रमुख की बात की। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात हुई, मुख्यमंत्री की बात हुई, राष्ट्रपति की बात हुई, राज्यपाल की बात हुई, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कैसे कार्य करता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका, न्यायपालिका में सबसे पहला जो हायरार्की है, जो पहली श्रृंखला है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऊपर में सबसे सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब नीचे आएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जिला न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय को भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक फौजदारी न्यायालय, दूसरा दीवानी न्यायालय और तीसरा भू राजस्व न्यायालय। यानी कि फौजदारी न्यायालय यानी कि जो क्रिमिनल मामले होंगे, ये क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी न्यायालय को क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, दीवानी न्यायालय को सिविल कोर्ट कहा जाता है, और भू राजस्व यानी कि लैंड रिवेन्यू कोर्ट। ठीक है, तो ये था विश्लेषण सरकार के अंग का एक संक्षेप विवरण था। इसको हम लोग बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड थैंक यू सो मच।